नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल MS Tech Studio। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में बताऊंगा कि अपाची 164V मेरी ये गाड़ी खड़ी है और इससे पहले मैंने इसके बहुत सारे माइलेज दे दिए। रेन मोड का भी माइलेज का मतलब वीडियो बना दिया है और रेन मोड पे यानी 80 से कम की स्पीड पे चलाओगे तो वो वीडियो मैं डाल चुका हूँ। आपने नहीं देखा हो तो आई बटन के अंदर मैं डाल दूंगा और प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप वो देख सकते हो। तो दोस्तों, अब दिखाऊंगा मैं, यदि आप हाईवे के ऊपर अपाची 164V को 80 से ऊपर चलाओगे यानी 80 की स्पीड से ऊपर चलाओगे और रेन मोड के अंदर चलाओगे तो आपकी गाड़ी माइलेज क्या निकाल के देगी। तो दोस्तों, अभी पेट्रोल पंप है तो मैं पेट्रोल फिल करा लेता हूँ। ये मेरे पास में पेट्रोल पंप है, यहाँ पे मैं टंकी फुल कराऊंगा और देखते हैं कितना माइलेज दिखेगी और मैं आपको दिखा भी देता हूँ और एक बार किलोमीटर भी दिखा देता हूँ कि कितना किलोमीटर चल चुकी है मेरी गाड़ी, और वो भी देख लेना आप। और मैं टंकी भी दिखा दूंगा आपको कि मेरी टंकी फुल है। तो अभी करा लेते हैं अपनी टंकी फुल और पेट्रोल पंप पे चलते हैं और अपनी टंकी फुल करा लेते हैं। आज बारिश हुई थी इस कारण मैं लेट हो चुका हूँ। इसमें जितना आता उतना डाल। बीस कर दो, 220। तो दोस्तों, एक बार मैं टंकी दिखा देता हूँ। मैंने टंकी भी फुल करा ली है, ये टंकी फुल है और मैं इतना ही फुल कराता हूँ हमेशा इसके पास पास। और टंकी फुल होने के बाद मैं एक बार ट्रिप दिखा देता हूँ। तो टोटल ट्रिप क्या है वो दिखा देता हूँ। टोटल क्या चली है, 2:43 हो चुकी हैं, रेन मोड के अंदर है और टोटल 1661.3 किलोमीटर चल चुकी है। और मैं एक ट्रिप को जीरो कर देता हूँ, जैसे इसमें फर्स्ट ट्रिप मैंने जीरो कर दी और सेकंड ट्रिप है 93 पे, और इस पे अपन को फर्स्ट ट्रिप पे डाल देते हैं। इसको फर्स्ट ट्रिप डाल दी मैंने, यहाँ पे फर्स्ट ट्रिप है, ये देख लो। तो ये फर्स्ट ट्रिप पे डाल रखी है और रेन मोड के अंदर। तो दोस्तों, जो मैं माइलेज दिखाऊंगा वो रेन मोड के अंदर हाईवे के ऊपर चलाऊंगा, 90 की स्पीड या 100 की स्पीड, मतलब 80 से मुझे ऊपर ऊपर चलानी है। तो दोस्तों, मैं हाईवे पे चल दिया और अब मैं इसको 80 से ऊपर ही ऊपर चलाऊंगा, यानी 80 से ऊपर यानी 90, 100 जो भी जाएगी वो 80 से ऊपर ही चलेगी अब मेरी ये गाड़ी। तो हाईवे पे मैं चल दिया
दोस्तों इस तरीके से मैं हाईवे पर चल ही रहा हूँ और क्या है बारिश होती जा रही है लगातार, कहीं कहीं पे रुकना पड़ रहा है मुझे कि बीच में 10-20 किलोमीटर चल गई और 10-20 किलोमीटर के बाद बारिश स्टार्ट हो गई। ये देख लो आप पीछे देख सकते हो, आज यानी मुहूर्त ऐसा ही निकला है कि मैं मुझे बनाना था कि रेन मोड पे कि माइलेज कितना देती है अपाची 164 भी, तो आज मुहूर्त ऐसा निकला कि आज बारिश भी होने लगी, यानी रेन मोड पे मैं बना रहा था और रेन ही होने लगी, तो इस कारण मेरे लिए सही रहा। बाकी मैं थोड़ा परेशान तो हो रहा हूँ, देखो ये कीचड़ के पूरे, कीचड़ के शूज वगैरह, कीचड़ की गाड़ी, यानी आप बारिश में जब वीडियो बनाओगे और बारिश में बाइक पे जाओगे तो पूरा छीटे छीटे हो जाते हैं, मतलब पूरा पूरा खराब हो जाता है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कितना किलोमीटर चल चुकी है। तो दोस्तों 3:38 हो चुकी हैं और 57 किलोमीटर चल चुकी है, ये देख लो। और ये मैंने क्या है रोक के बनाया है, फिलहाल में मैं हाईवे पे रुका हुआ हूँ, बारिश होने के चक्कर में मैं थोड़ा रुक गया, अब बारिश थोड़ी मतलब अभी नहीं हो रही। तो दोस्तों बारिश रुक गई इस कारण अब मैं हाईवे पे चलूँगा दोबारा से, और मैंने आपको बता दिया कितना किलोमीटर चल चुकी है। ये देखो हेलमेट वगैरह सब खराब हो चुका है यानी बारिश के छींटे के कारण। तो अब दोस्तों स्टार्ट कर आगे चलते हैं। तो दोस्तों 82 किलोमीटर चल चुकी है और मैं क्या है अभी रोक रुक के गाड़ी को, क्या है बारिश हो चुकी है तो इस कारण मैं गाड़ी को सही तरीके से चला नहीं पा रहा हूँ, तरीका यानी वो वीडियो नहीं बना पा रहा। बाकी स्पीड वगैरह तो वही रख रहा हूँ जो आप लोगों को मैंने बताया कि 80 से ऊपर ही ऊपर, पर मुझे क्या है जो वीडियो मुझे किलोमीटर दिखाने पड़ रहे हैं वो थोड़ा रुक रुक के दिखाने पड़ रहे हैं, तो जो क्या है जो मुझे वीडियो बना रहा हूँ तो उसके कारण बारिश के छींटे के कारण मोबाइल में कैमरा ख़राब हो जाता है, तो इस कारण मुझे रुक रुक के वीडियो दिखाने पड़ रहे हैं, तो मैं आगे भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैं जयपुर पहुंच चुका हूं और आपको एक किलोमीटर दिखा देता हूं, और अभी 1 किलोमीटर से आगे पेट्रोल पंप आएगा, हम वहां पर फिल कराएंगे और देखेंगे कि अर्बन मोड़ के अंदर हाईवे पे 80 की स्पीड से ज़्यादा स्पीड, यानी 80 से ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी चलाओगे तो कितना माइलेज देगी। तो एक बार किलोमीटर दिखा देता हूं। तो यानी इससे पहले मैंने अर्बन मोड पे बनाया है वो 80 से कम की किलोमीटर, जो 80 की रफ्तार है ना उससे कम किलोमीटर की रफ्तार पे बनाया था, उसमें भी 95-93 के आसपास चली थी, 46 का उसने माइलेज दिया था, मतलब 46.5 का। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने किलोमीटर दिखा दिया कितने किलोमीटर चल चुकी है, और थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है, तो अब हम पेट्रोल फिल कराएंगे और देखते हैं कि कितना माइलेज निकालती है। इससे ज़्यादा स्पीड पे चलाने पे माइलेज निकलेगा, और ये अपना पेट्रोल पंप आ चुका है, यहाँ पे अपन पेट्रोल फिल कराएंगे, फुल टंकी कराएंगे। ये देखो दिख गया 92 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, भाई यार इसमें जितना फुलाता ना उतना डाल दो, जितना फुलाता हाँ ऊपर करके डालना है ना, ऊपर करके डालना, वो ये ऊपर करके डालना, हाँ चलन दो आप तो फुल कर दो एक बार बस। साठ का कर दो बस, 65 कर दो बस। तो ये टंकी मैंने फुल करा ली है, अरे भैया टंकी फुल करा ली है और अपन की 9.23 किलोमीटर चल चुकी है, और 2.45 लीटर इसके अंदर आया है। तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखा दूंगा कि कितना किलोमीटर चली है। तो दोस्तों इस तरीके से देखो मैंने स्टार्ट की थी ट्रिप, और मैं दिखा देता हूँ 92.4 किलोमीटर चली है,
और ये तो सेकंड ट्रिप है, और टोटल दिखा देता हूँ, टोटल जो किलोमीटर इतना चली है ना। तो जो अपन ने फर्स्ट ट्रिप की थी तो 92.4 किलोमीटर चली है, और इसमें 2.40 या 2.45 के आसपास इसमें पेट्रोल आया है। तो इसका माइलेज निकाल के देखें तो 38 का माइलेज निकाल के दिया है, यानी हाईवे के ऊपर रेन मोड के अंदर चलाते हैं गाड़ी को और 90-100 के आसपास की स्पीड पर चलाते हैं, यानी 80 से ऊपर ही रखते हैं स्पीड को, तो 38 का माइलेज निकाल के देती है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने हाईवे के ऊपर रेन मोड के अंदर चलाई और 100 के आसपास 90 के आसपास स्पीड रखी, यानी 80 से ऊपर ही चलाई मैंने जो गाड़ी चली है, और उसने माइलेज निकाल के दिया है, तो वो माइलेज अपन का 38 का निकाल के दिया है। तो यानी इसमें यदि आप 80 से ऊपर चलाते हो, 100 या 90 या 120 गाड़ी की रफ्तार रखते हो, तो माइलेज आपकी गाड़ी बहुत कम निकाल के देती है, 38-40 के आसपास निकाल के देती है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।